हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ज्योति एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टे स्टाइलिश विद जो में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एंड ये जो टॉपिक है सारी वुमेंस के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक होता है कि हम अपने घर में वार्डरोब में या अपने बेड के अंदर पड़ी हुई स्टोरेज में पड़ी हुई साड़ियों का आखिर करें क्या। साड़ी एक ऐसा अटायर है जो हर इंडियन वुमेन के पास होता ही है। एंड हम सब जो वुमेंस होते हैं फेस्टिवल्स वगैरह में, वेडिंग फंक्शन के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए साड़ी ईजिली परचेज कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये साड़ी इतना ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाती है। एंड साड़ी जो है वो हमारे वार्डरोब या बेड के अंदर सालों तक इसी तरीके से पड़ी रहती है। तो हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इतनी सारी साड़ीज़ का करें क्या, क्योंकि हम बार बार सेम साड़ी रिपीट नहीं करते। एंड हर फंक्शन के लिए हम बार बार नई नई साड़ीज़ मार्केट से ले आते। साड़ीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं, तो इस तरीके से काफ़ी सारी साड़ीज़ का हम सबके पास में स्टॉक हो जाता है। एंड हम सब सोचते हैं कि इतनी अच्छी साड़ी इसका हम आखिर करें क्या। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन री यूज योर ओल्ड साड़ीज, क्योंकि जो ओल्ड साड़ीज होती हैं दैट आर ऑलवेज अ ट्रेजर, बट ये एक टाइम के बाद ओल्ड फैशन हो जाती है। इन साड़ीज़ को आप इजीली पहन भी नहीं पाते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कंडीशन में आप अपनी पुरानी घर में पड़ी हुई साड़ियों को किस तरीके से वापस से रीयूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल से कि ये जो मैं सारे आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो आप अपनी साड़ीज़ को रीयूज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इन सारे रीयूज करने वाले तरीकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो टेलर है उसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टिचिंग परफेक्ट होनी चाहिए। वरना ऐसा हो जाएगा कि आपने उसके पास साड़ी ले जाके दी कुछ बनवाने के लिए, उसने कुछ का कुछ बना के दे दिया, एंड फिर आप बोलोगे कि यार हमने तो वीडियो में देखा था इतना अच्छा सा ड्रेस तैयार हो सकता था बट ये तो कुछ और ही हो गया। तो आई वुड से कि आपको जो टेलर है बेस्ट टेलर ढूंढना है, क्योंकि किसी भी आप ऐसे लोकल टेलर के पास जाके छोड़ दोगे एंड आपकी साड़ी पूरी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि साड़ी के साथ में वुमेंस को बहुत ज़्यादा जो एक पर्सनल टच होता है वो होता है, एंड अगर आपकी साड़ी इस तरीके से बर्बाद हो गई तो आपका पूरा मूड स्पॉइल हो सकता है। तो आई वुड से कि आपको जो बेस्ट टेलर है उसके पास ले जाके ही आपकी साड़ी को रीयूज करने के लिए कुछ भी स्टिच करवा रहे हो तो सबसे पहले एक बेस्ट टेलर को ढूंढ लें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरीके की प्लेन साड़ीज़ के बारे में। तो प्लेन साड़ीज़ जो है वो हम सबके पास एक दो प्लेन साड़ीज़ होती ही होती हैं, एंड ये कई बार हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम वापस से इन्हें बार बार पहनना नहीं पसंद करते हैं, जिस तरीके की साड़ीज़ फिर पड़ी ही रह जाती। तो प्लेन साड़ीज़ के साथ में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस साड़ी का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है तो आप इस साड़ी में एक डिज़ाइनर सा बॉर्डर लेस लेके ऐड करवा सकते हैं। तो पूरी साड़ी में एक आप एक यूनिक सा बॉर्डर ऐड करवा सकते हैं, आप एकदम ट्रेडिशनल सा बॉर्डर ऐड करवा सकते हैं, थोड़ा क्लासी। अलग अलग लेस मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का पूरा एक बॉर्डर साड़ी में ऐड करवा सकते हैं। तो उससे आपकी साड़ी को एक कंप्लीट नया लुक मिल जाएगा। आप इस साड़ी को, इस तरीके की साड़ी को आप फिर अपने किसी भी फंक्शन, वेडिंग फंक्शन के लिए, पार्टीज वगैरह के लिए इजली स्टाइल कर पाओगे, क्योंकि प्लेन साड़ीज़ को आप जल्दी से किसी भी फंक्शन वगैरह में नहीं स्टाइल कर पाते। तो इस तरीके से अगर आप इसमें ब्यूटीफुल सा लेस ऐड करवा दोगे पूरी साड़ी में तो आपकी एक नई साड़ी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। एंड आजकल रफल की जो साड़ीज है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है मार्केट में, तो आप चाहें तो इस साड़ी में इसी सेम कलर का रफल ऐड करवा सकते हैं। तो या तो आप एक प्लेन वाइट कपड़ा लेके उसे सेम कलर में डाई करवा के इसमें रफल ऐड करवा सकते हैं। तो रफल ऐड करने से भी आपकी साड़ी को एक कंप्लीट नया लुक मिल जाएगा एंड आप अपनी पुरानी साड़ी को वापस से रीयूज कर पाओगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपनी दो साड़ी को कंबाइन करके उससे एक नई साड़ी तैयार कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि साड़ी का पल्लू वाला पार्ट खराब हो गया है कहीं पे, कुछ कट लग जाने की वजह से, कहीं फंस जाने की वजह से, या फिर ऐसा होता है कि कई बार साड़ी का जो नीचे का बॉर्डर वगैरह होता है वो ख़राब हो गया होता है। तो उस तरीके से आप अपनी दो साड़ी को लेके कंबाइन करके उससे कंप्लीट नई साड़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो हाफ एंड हाफ साड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं, तो आप इस तरीके से अपनी दो साड़ीज़ को कंबाइन करके एक नई साड़ी तैयार कर सकते हैं। तो या तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई दो सिमिलर कलर की साड़ी है तो उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉन्ट्रास्ट लुक के लिए किस साड़ी के साथ में कौन सा कलर मैच होता है उसे ध्यान में रखते हुए तो अपनी दो साड़ीज को कंबाइन करके उससे एक ब्यूटीफुल हाफ एंड हाफ साड़ी को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से वाइट कलर की, बीच कलर की या क्रीम कलर की साड़ीज़ हैं जिसे आपने कई बार पहन लिया एंड वापस आप इन्हें पहनना नहीं चाहते, इनके कलर थोड़े से फेंट हो चुके हैं, थोड़ी सी पुरानी दिखने लग गई हैं, तो आप इन साड़ीज़ को डाई करवा सकते हैं। साड़ी में डाई बहुत ईजिली हो जाता है, तो आप अपने मन चाहे किसी भी कलर में इस तरीके की साड़ीज़ को डाई करवा के ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट एक नई साड़ी तैयार हो जाएगी। तो आप कॉटन की साड़ीज़ हो या आपके पास इस तरीके से नेट की साड़ीज़ हो, इनको बहुत ईजिली आप डाई करवा सकते हैं मार्केट में जाके, तो इससे आपकी कंप्लीट पुरानी हो चुकी साड़ी एक नई साड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी।
सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की कैजुअल प्रिंट वाली जो साड़ीज होती हैं, ये इस तरीके से कैजुअल साड़ीज होती हैं, इससे आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपना वेस्टर्न अटायर तैयार करवा सकते हैं। तो आप इससे या तो इस तरीके से मिडी या फुल लेंथ का स्कर्ट स्टिच करवा सकते हैं, या तो आप इससे नी लेंथ तक की ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके की जो पूरी कैजुअल लुक वाली साड़ीज होती हैं, इससे आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक अपना वेस्टर्न अटायर तैयार कर पाओगे। साथ ही इस तरीके की ये जो ऑर्गांजा मटेरियल की साड़ीज होती हैं, इनसे बहुत ही प्यारा सा एक आपका वेस्टर्न स्कर्ट या वेस्टर्न आपका वन पीस ड्रेस तैयार हो जाएगा। आप इससे पूरा एक गाउन स्टिच करवा सकते हैं, या आप नी लेंथ का एक पूरा ड्रेस तैयार करवा सकते हैं। तो इस तरीके के जो पूरे फ्लो वाले जो ड्रेस होते हैं, स्कर्ट या जो ड्रेसेस होते हैं, वो बहुत प्यारे लगेंगे इस तरीके के मटेरियल में। तो आपको इसके अंदर हल्का सा जो हैवी वाला इनर का कपड़ा होता है वो लगवाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैनकेन वगैरह लगवाना पड़ सकता है, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल से इस तरीके की कैजुअल साड़ी से आपके वेस्टर्न अटायर तैयार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरीके की कुछ नेट की साड़ी है ब्यूटीफुल सी, तो आप इससे बहुत ही प्यारा सा एक आपका लहंगा डिजाइन करवा सकते हैं। नेट के जो लहंगे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके अंदर आपको पूरा एक अच्छा सा इनर लगवाना पड़ेगा, एक हैवी सा थोड़ा कैनकेन लगवाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका बहुत ही प्यारा सा एक लहंगा तैयार हो जाएगा नेट की साड़ी के साथ में। तो नेट की जो थोड़ी सी हैवी वाली साड़ी आती है, इस तरीके से लेस वगैरह लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह है साड़ी में इस तरीके से, तो इस तरीके की साड़ी से बहुत ही प्यारा सा लहंगा आप डिजाइन करवा सकते हैं। तो अब जैसे कि नेट साड़ी में आप क्या कर सकते हैं कि आपने इस पूरे कपड़े का जो है वो आपने लहंगा स्टिच करवा लिया, एंड आप इसके साथ में इस तरीके के इस कलर का ऊपर का टॉप का कपड़ा लेके ऊपर के लिए आप या तो 3/4 स्लीव्स, क्योंकि आजकल 3/4 और एल्बो स्लीव्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है लहंगे एंड साड़ी के ब्लाउज वगैरह के साथ में, तो आप इस तरीके का एक ऊपर का अपना टॉप स्टिच करवा सकते हैं, एंड इसी कलर का आप अपने लिए नेट का दुपट्टे का कपड़ा ले सकते हैं, एंड उसमें ये जो आपके यहाँ पे पूरी बॉर्डर दी हुई है पर्ल की, तो पर्ल इस तरीके की पर्ल की जो लेस होती है वो आपको ईजिली किसी भी शॉप में मिल जाएगी, तो आप पूरी लेस लेके ऐड करवा सकते हैं दुपट्टे में। तो इस तरीके से आपका नेट का एक बहुत प्यारा सा लहंगा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से नेट की साड़ी से भी आप एक खूबसूरत सा लहंगा स्टिच करवा सकते हैं। नेट के साथ ही इस तरीके की जो सिल्क की साड़ी होती हैं, जिस तरीके से पूरी सिल्क की साड़ी में इस तरीके से पैटर्न होता है, जो बूटे वाली सिल्क की साड़ीज होती हैं, उससे भी बहुत ही प्यारा सा लहंगा आपका डिजाइन हो सकता है। सिल्क के लहंगे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सिल्क के जो लहंगे होते हैं वो ऑलवेज ट्रेंड में होते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी पूरी सिल्क वाली साड़ी होती है, उससे भी बहुत ही प्यारा सा लहंगा आपका डिजाइन हो सकता है। तो आप इस साड़ी में क्या कर सकते हैं, आपने इसका पूरा एक लहंगे का नीचे का जो स्कर्ट होता है वो डिजाइन कर लिया, नीचे इसमें काफी अच्छी ब्रॉड सी बॉर्डर दी गई है, तो लहंगे का लुक नीचे से भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें क्योंकि पिंक कलर दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में प्लेन पिंक कलर का ब्लाउज का कपड़ा लेके उसे स्टिच करवा सकते हैं, एंड आप दुपट्टे के लिए भी प्लेन पिंक कलर का कपड़ा लेके ऊपर की साइड में जो बॉर्डर इस साड़ी में दिया हुआ है, इस बॉर्डर को आप दुपट्टे में पूरा चारों तरफ से ऐड करवा सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा सा आपका एक लहंगा तैयार हो जाएगा, पूरा सिल्क का लहंगा तैयार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको टॉप का भी जो कपड़ा लेना है वो सिल्क मटेरियल का लेना है पिंक कलर का, एंड इसके साथ में ही आप सिल्क का लाइट सिल्क का कपड़ा लेके उससे इसका एक ब्यूटीफुल सा दुपट्टा रेडी करवा सकते हैं। तो पूरा आपका साड़ी से इस तरीके से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा तैयार हो जाएगा। आपके पास कुछ इस तरीके की एकदम हैवी वर्क वाली साड़ीज़ है, जिसमें काफ़ी हैवी इस तरीके के बॉर्डर वगैरह होते हैं, बहुत हैवी सी साड़ीज़ होती हैं, इससे भी आप काफ़ी प्यारा सा एक जो लहंगा है वो स्टिच करवा सकते हैं। तो आपको नीचे के साइड में काफ़ी अच्छा लुक मिल जाएगा इस तरीके की हैवी वर्क वाली साड़ी में। एंड कुछ साड़ी जो होती हैं लोअर पार्ट में पूरी भरी हुई होती साड़ी, मेरे पास उस तरीके की साड़ीज़ नहीं है, बट मैं पिक अटैच कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो हैवी साड़ीज़ होती ना, उससे भी नीचे के साइड में लहंगे में काफ़ी अच्छा पूरा वर्क मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आप ऊपर के लिए ब्लाउज के लिए एक प्लेन सिंपल सा कपड़ा लेके ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, आप इसका दुपट्टा जो लेके उसमें भी इस तरीके के जो लेस है वो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, तो इस तरीके का पूरा हैवी सा एक लेस ऐड करवा सकते हैं आप अपने दुपट्टे में, तो काफी गॉर्जियस सा आपका दुपट्टा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो पूरा आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा तैयार हो जाएगा। तो जो हैवी वर्क वाली साड़ीज होती हैं या नेट की भी काफी सारी साड़ीज में नीचे की तरफ काफी अच्छा पूरा एम्ब्रॉयडरी या हैवी वर्क दिया होता है, तो उस तरीके की साड़ी से बहुत ही ब्यूटीफुल से लहंगे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी घर में पड़ी हुई किसी भी हैवी साड़ी, नेट की साड़ी या सिल्क वगैरह की साड़ीज के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लहंगा स्टिच करवा के ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास कुछ इस तरीके की नेट की साड़ीज है, जिसमें ये इस तरीके से हाफ ऑफ वर्क होता है नीचे के साइड में, तो इससे भी आपका एक बहुत ही गॉर्जियस सा लहंगा तैयार हो जाएगा। तो ऊपर के साइड में लहंगा प्लेन होगा एंड नीचे से पूरा लहंगे का वर्क स्टार्ट होगा। इस तरीके के लहंगे बहुत प्रिटी लगते हैं, तो इस तरीके का लहंगा आप इससे तैयार करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरीके की नेट की साड़ीज के साथ में लहंगा डिजाइन करने के लिए। ऊपर का लहंगे का पोर्शन प्लेन एंड नीचे के साइड में लहंगे में पूरा आपको वर्क मिल जाएगा, तो काफ़ी प्यारा सा गॉर्जियस सा लहंगा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से
नेट की साड़ीज के साथ में आप नेट का दुपट्टा डाई करवा के दे सकते हैं। नेट के जो कपड़े होते हैं उन्हें डाई करवाना बहुत ईजी होता है, किसी भी कलर में आप उसे डाई करवा के ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नेट का एक गॉर्जियस सा लहंगा तैयार हो जाए। इस तरीके से आपकी शिफॉन और जो जॉर्जेट मटेरियल की हैवी वर्क वाली साड़ीज होती है इनके साथ में भी आप एक ब्यूटीफुल सा लहंगा डिजाइन कर सकते हो। तो जैसे आप साड़ी में देख सकते हो कि नीचे के साइड में काफी अच्छा सा वर्क दिया हुआ है एंड इसमें इस तरीके का पूरा ये यहाँ पे जरी वाला एंड पर्ल वाला बॉर्डर दिया हुआ है। तो आप इस तरीके की साड़ी से भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो लहंगा है वो डिजाइन करवा सकते हैं। जैसे कि साड़ी येलो एंड ऑरेंज कलर में, तो आप ऑरेंज कलर का टॉप स्टिच करवा सकते हैं अलग से कपड़ा लेके सिल्क वगैरह के मटेरियल में, एंड आप इसके साथ में गॉर्जियस सा इस तरीके का शिफॉन का दुपट्टा ऐड करवा सकते हैं। एंड आप उसमें ये बॉर्डर जो है ये बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाती है, तो इस तरीके की बॉर्डर आप ऐड करवा सकते हैं। शिफॉन मटेरियल के जो लहंगे होते हैं वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं, इन्हें थोड़ा सा केयरफुली यूज करना पड़ता है, बट काफी ज्यादा गॉर्जियस लगते हैं। तो इस तरीके की शिफॉन की अगर कुछ हैवी वर्क वाली साड़ी आपके पास में भी है वार्डरोब में, तो इस तरीके की साड़ी से भी आप एक बहुत गॉर्जियस सा लहंगा तैयार कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की साड़ीज हैं, थोड़ी सी हैवी वेट वाली साड़ीज हैं, नीचे की तरफ साड़ी में काफ़ी अच्छा सा बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है डिज़ाइन, तो इस तरीके की साड़ीज से आप एक बहुत ही सुंदर सा अनारकली स्टिच करवा सकते हैं। अनारकली आप 3/4 स्लीव का स्टिच करवाइए या तो आप एल्बो स्लीव का स्टिच करवाइए, तो फुल स्लीव के भी अनारकली बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके की जो साड़ीज होती हैं इनके साथ में बहुत ही सुंदर से अनारकली तैयार हो जाएंगे। तो नीचे के पूरे अनारकली के उसमें ये इस तरीके का बॉर्डर ऐड करवा सकते हैं, एंड यही बॉर्डर आप अनारकली के दुपट्टे में भी ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें से अनारकली निकालने के बाद आपको दुपट्टे के लिए कपड़ा साड़ी में नहीं बचेगा, तो आप दुपट्टा अलग से सेम कलर का लेके डाई करवा सकते हैं एंड दुपट्टे में भी इस तरीके का बॉर्डर ऐड करवा सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा आपका अनारकली तैयार हो जाएगा इस तरीके से। या तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की प्लेन साड़ी है जिसमें यहाँ पे पूरी साड़ी प्लेन है, इस तरीके से साड़ी में ब्यूटीफुल सा बॉर्डर दिया हुआ है एंड साड़ी का एक प्यारा सा आपको यहाँ पे पल्लू का पार्ट दिया हुआ है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि पूरी साड़ी का जो अनारकली का नीचे वाला पार्ट है उसे आप इस तरीके से पूरा प्लेन रख सकते हैं साड़ी के, इससे नीचे की साइड में आप ये बॉर्डर लगवा सकते हैं। साड़ी अनारकली का जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट है उसमें आप इस तरीके से पल्लू का जो ये पूरा पैटर्न है इसे ऐड करवा सकते हैं। चाहे तो आप ये वाला पोर्शन जो है इसे आप अपने स्लीव्स में भी ऐड करवा सकते हैं, तो या तो आप पूरा अनारकली को प्लेन रख सकते हैं, स्लीव्स में ये पल्लू का जो पार्ट होता है उसे ऐड करवा सकते हैं, या तो फिर आप ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट होता है उसमें ऐड करवा लीजिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा एंड बहुत ही गॉर्जियस आपका एक अनारकली आपकी किसी भी पुरानी साड़ी के साथ में तैयार हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आपके पास नेट की भी थोड़ी सी भरी हुई वाली साड़ी है तो इससे भी आप एक गॉर्जियस सा अनारकली तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि साड़ी का ये पल्लू वाला पार्ट है इसमें पूरा इस तरीके से भरा हुआ वर्क दिया हुआ है एंड नीचे का जो साड़ी का पार्ट है उसमें इस तरीके से नीचे के साइड में सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से ये डिज़ाइन मिलेगा, ऊपर की तरफ में साड़ी प्लेन है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि नीचे के पार्ट में यहाँ से पूरा प्लेन पोर्शन लेते हुए एंड नीचे अनारकली में पूरा ये वाला वर्क लगवा सकते हैं, एंड ये जो यहाँ पे साड़ी के ऊपर पल्लू वाले पार्ट में हैवी वर्क दिया हुआ है इसे आप चाहें तो पूरा स्लीव्स में ऐड करवा सकते हैं। तो ये पोर्शन आप प्लेन रख सकते हैं, नी तक का पोर्शन प्लेन रख सकते हैं, उसके नीचे पूरा ये वर्क ऐड करवा सकते हैं एंड अपने स्लीव्स में फुल स्लीव्स करवा सकते हैं अपने नेट की साड़ीज के साथ में। फुल स्लीव नेट में बहुत अच्छा लगता है एंड इसमें पूरा ये स्लीव्स ऐड करवा सकते हैं, तो ये बहुत प्यारा सा एक गॉर्जियस सा अनारकली आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। एंड इनफैक्ट कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसके भी अनारकली काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली फॉर दी समर सीजन कॉटन के जो अनारकली होते हैं ड्रेसेस, एंड आजकल तो कॉटन के अनारकली जो ड्रेसेस हैं पूरा सेट भी मिलता है, नीचे प्लाजो या स्ट्रेट पैंट होता है, एक दुपट्टा होता है, जिस तरीके से पूरा अनारकली का ड्रेस आपको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट पर पूरा ड्रेस मिल जाता है, काफ़ी कॉस्टली जाता है। तो अगर आपके पास भी घर में कॉटन की साड़ीज पड़ी हुई हैं जिसे आप नहीं पहन रहे हैं, आपने उन्हें पहनना छोड़ दिया, तो आप इस तरीके से कॉटन की साड़ी से भी एक बहुत ही गॉर्जियस अनारकली तैयार करवा सकते हैं। तो पूरा आप साड़ी का पूरा कपड़ा लेके ऊपर एंड नीचे का अनारकली का सेम पूरा पैटर्न सेम रख सकते हैं, एंड आप इसके साथ में या तो आप इसे स्लीवलेस बनवा लीजिए या तो आप इसे एल्बो या 3/4 स्लीव्स में बनवा लीजिए, एंड इसके साथ में आप एक प्यारा सा जॉर्जेट या शिफॉन मटेरियल का दुपट्टा ऐड करवा सकते हैं। नीचे का आप जो स्ट्रेट पैंट या प्लाजो है वो आप मार्केट से जाके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉटन मटेरियल में बहुत प्यारा सा कंफर्टेबल सा समर के लिए स्पेशली एक बहुत प्यारा सा अनारकली तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू विद योर साड़ी, आपकी जो भी सिल्क साड़ीज हैं उसके साथ में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता डिज़ाइन करके ले सकते हैं। तो आप चाहे तो कुर्ता एंड नीचे का स्ट्रेट पैंट या प्लाजो पूरा स्टिच करवा सकते हैं, क्योंकि पूरी साड़ी में से आपका एक कुर्ता एंड आपका पूरा प्लाजो या स्ट्रेट पैंट बॉटम वेयर आराम से निकल के आ जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की साड़ीज है, सिल्क की बूटे वाली या इस तरीके की थोड़ी सी प्लेन वाली छोटे छोटे बूटे वाली साड़ीज हैं, तो इस तरीके के पैटर्न वाले जो सिल्क कुर्ते बहुत प्रिटी लगते हैं, तो इस तरीके की साड़ीज के साथ में आप एक पूरा
लॉन्ग जो नी बिलो नी लेंथ के कुर्ते होते हैं, एक ऊपर से थोड़े से हाई स्लिट वाले या फ्रंट स्लिट वाले कुर्ते, तो इस तरीके के कुर्ते आप इस तरीके की साड़ीज के साथ में डिज़ाइन करवा सकते हैं। साड़ी में इस तरीके का अगर बॉर्डर होगा तो पूरा नीचे के साइड में आपका बॉर्डर आ जाएगा, एंड आप चाहें तो साड़ी के ऊपर साइड वाले बॉर्डर को निकाल के एक अलग से दुपट्टे का कपड़ा लेके दुपट्टे में भी बॉर्डर स्टिच करवा सकते हैं, तो आपका पूरा एक तरीके से एथनिक ड्रेस भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी इस तरीके की बूटी वाली अगर आपके पास सिल्क की साड़ी है तो उसे बहुत ही गॉर्जियस से सिल्क का आपका पूरा एक कुर्ते का सेट तैयार हो जाएगा। एंड सिल्क के कुर्ते के जो सेट हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा लॉन्ग हाई स्लिट वाले जो कुर्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वेडिंग वगैरह में, फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे, फंक्शंस में इस तरीके के सिल्क के जो हाई स्लिट वाले कुर्ते होते हैं नीचे भी स्ट्रेट पैंट के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी लगते हैं। तो आप इस तरीके की सिल्क की साड़ीज़ के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू विथ योर ओल्ड साड़ी, आप अपनी साड़ी से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट स्टिच करवा सकते हैं। तो चाहे आपकी साड़ी नेट की हो, कॉटन की हो, सिल्क की हो, या आपकी साड़ी ऑर्गेंजा मटेरियल की हो, आप एक पूरा लॉन्ग एथनिक स्कर्ट से स्टिच करवा सकते हैं। एंड सिल्क के जो एथनिक स्कर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासी एंड यूनिक लुक देते हैं। इन स्कर्ट्स को आप अपने टॉप्स के साथ में मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सिल्क स्कर्ट या मार्केट में आप सिल्क स्कर्ट लेने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बट कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की जो सिल्क की साड़ीज़ होती हैं के साथ में आप ब्यूटीफुल सा अपना एक लॉन्ग एथनिक स्कर्ट स्टिच करवा सकते हो, बहुत प्यारा सा लगेगा। तो अगर आपके पास प्लेन साड़ी है तो इस तरीके से आप प्लेन पूरा रख सकते हैं, नीचे के साइड में से बॉर्डर ऐड करवा सकते हैं, ऊपर कमर के साइड में एक पतला सा बॉर्डर ऐड करवा सकते हैं, आगे से इसे पूरा फ्लैट रख सकते हैं, पीछे के साइड में इलास्टिक डलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एडजस्टेबल भी हो जाएगा एंड सामने की तरफ से एक लुक भी बहुत नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना सिल्क का स्कर्ट स्टिच करवा सकते हो इस साड़ी के साथ में, या तो अगर आपके पास सिल्क में इस तरीके की पूरी भरी हुई साड़ी है तो इस तरीके की साड़ी से भी बहुत गॉर्जियस सा एक स्कर्ट तैयार हो जाएगा आपका एथनिक। एंड इसके साथ में आप कोई भी प्लेन क्रॉप टॉप या एथनिक टॉप को स्टाइल कर सकते हो, तो आप इसके साथ में पिंक या इस तरीके से सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, किसी भी कलर के ब्लाउज को स्टाइल कर सकते हो। तो आपका पूरा ये नीचे के साइड में अच्छा ब्रॉड सा एक बॉर्डर मिल जाएगा, पूरा आपका एक पूरा भरा हुआ स्कर्ट मिल जाएगा, एंड पूरी साड़ी से आप काफ़ी अच्छा एक हैवी फ्लो वाला स्कर्ट तैयार करवा सकते हैं। तो ये एथनिक स्कर्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आया इनका, एंड आप इसे काफ़ी सारे अपने एथनिक क्रॉप टॉप्स के साथ में इजिली स्टाइल कर सकते हो। सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, अगर आप अपनी साड़ी से सिर्फ कुर्ती स्टिच करवा रहे हैं या सिर्फ स्कर्ट स्टिच करवा रहे हैं, साड़ी का कपड़ा बच जाता है, अगर आपका स्पेशली जो पल्लू वाला पार्ट है वो बच जाता है, या साड़ी में आपने किसी और के लिए कुछ स्टिच करवाया, साड़ी का काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, थोड़ा बहुत पार्ट बच गया, तो आप अपनी साड़ी से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एथनिक जैकेट स्टिच करवा सकते हैं। सिल्क के जो एथनिक जैकेट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत क्लासी लगता है, साड़ी के साथ में भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो, लहंगे के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो, अपने स्कर्ट के ऊपर भी क्रॉप टॉप के ऊपर से इसे स्टाइल कर सकते हो। तो ये जो सिल्क के आजकल एथनिक जैकेट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासी एंड यूनिक लुक देते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी साड़ी पड़ी हुई है घर में, अगर आपका साड़ी का सिर्फ पल्लू वाला पार्ट बच गया है तो आप उससे यहाँ पे अपना कमर लेंथ तक का एक शॉर्ट एथनिक जैकेट स्टिच करवा सकते हैं। अगर आपकी पूरी साड़ी ही पड़ी हुई है तो आप इसे लॉन्ग एथनिक सिल्क का जैकेट स्टिच करवा सकते हैं, फुल स्लीव रख सकते हैं, हाफ स्लीव रख सकते हैं, या फिर एल्बो स्लीव तक का भी स्टिच करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी सिल्क की साड़ी के साथ में एक गॉर्जियस सा एथनिक सिल्क का जैकेट स्टाइल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा साड़ी और लहंगे के ऊपर एथनिक जैकेट को स्टाइल करते हुए, तो ये काफ़ी ट्रेंडी लगता है। तो इस तरीके की किसी भी साड़ी के साथ में एक ब्यूटीफुल सा एथनिक जैकेट तैयार हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप इस तरीके की साड़ी का कलर यूज़ करें एथनिक जैकेट बनाने के लिए, जो आपके काफ़ी सारे ड्रेस के साथ में मिक्स एंड मैच होकर आप उसे स्टाइल कर सकें। आप अपनी नेट साड़ी के साथ में भी एक गॉर्जियस सा स्लीवलेस या फुल स्लीव का जैकेट, लॉन्ग जैकेट स्टाइल करवा सकते हैं। नेट के जैकेट भी बहुत ट्रेंडी एंड क्लासी लगते हैं, आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन भी कुछ साड़ीज़ के साथ में पूरे लॉन्ग नेट के जैकेट अलग से मिलते हैं साड़ी के साथ में, बट वो काफ़ी कॉस्टली चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में पड़ी हुई किसी भी नेट साड़ी के साथ में भी एक गॉर्जियस सा लॉन्ग एथनिक जैकेट स्टिच करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, आप अपनी साड़ी को होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपके पास वाइट कलर की नेट की साड़ीज़ है, तो एम्ब्रॉयडरी वाली नेट की साड़ी, या प्लेन वाइट कलर की नेट की साड़ीज़ है, या कोई भी लाइट कलर की नेट की साड़ीज़ है, तो आप उससे कर्टन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेट के कर्टन बहुत ज़्यादा ट्रेंडी एंड क्लासी लगते हैं, घर को एक बहुत ही यूनिक एंड एलिगेंट सा लुक देते हैं आपके होम को। तो आप इस तरीके से नेट की साड़ीज़ के साथ में ना कर्टन स्टिच करवा के ले सकते हैं। तो आपने साइड में अलग कर्टन डाल दिए, बीच में आप नेट का कर्टन डाल सकते हैं। तो शीर कर्टन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं मार्केट में। तो आप इस तरीके से अपनी साड़ी से ब्यूटीफुल सा कर्टन डिज़ाइन करवा सकते हैं,
या तो फिर अगर आपके पास इस तरीके की प्लेन साड़ीज हैं तो प्लेन साड़ी से भी आप कर्टन स्टिच करवा सकते हैं। तो दो या तीन अलग अलग कलर की प्लेन साड़ी से भी आप कर्टन स्टिच करवा के ले सकते हैं। प्लेन कलर के कर्टन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी एंड क्लासी लुक देते हैं आपके घर को। तो इस तरीके से आप एक प्लेन साड़ी से भी कर्टन स्टिच करवा के ले सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी सिल्क की साड़ी से भी कर्टन स्टिच करवा के ले सकते हैं। अगर आप अपने घर को एक रॉयल एंड एथनिक लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरीके की सिल्क की साड़ी से भी कर्टन स्टिच करवा के ले सकते हैं। सिल्क के कर्टन भी आज काफ़ी ट्रेंडी हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बट काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो भी सिल्क मटेरियल के होते हैं। तो अगर आपकी सिल्क साड़ी घर में पड़ी हुई है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, तो आप सिल्क के कर्टन भी स्टिच करवा के ले सकते हैं। कभी कभी फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे, घर में कोई फंक्शन है, वेडिंग वगैरह के टाइम पे, थोड़ा सा रॉयल एंड क्लासी लुक देना चाहते हैं अगर अपने घर को आप, तो आप ये सिल्क के जो कर्टन है वो यूज कर सकते हैं घर में। नेक्स्ट, व्हाट यू कैन डू, आप अपनी सिल्क साड़ी के साथ में अपने सोफे या बेड के लिए कुशन के कवर स्टिच करवा सकते हैं। सिल्क के कुशन कवर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, बहुत रॉयल एंड क्लासी सा लुक देते हैं आपके पूरे होम को। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी सिल्क साड़ी के साथ में एक रॉयल लुक वाले कुशन के कवर स्टिच करवा के ले सकते हैं अपने टेलर के पास जाके, तो बहुत ही प्यारे से आपके कुशन कवर रेडी हो जाएंगे। तो फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन के टाइम पे आप ये सिल्क के कुशन घर पे यूज कर सकते हो, घर को थोड़ा रॉयल और क्लासी सा लुक दे सकते हो। तो इस तरीके से आप सिल्क के कुशन भी स्टिच करवा के ले सकते हो। लास्ट ऑप्शन है कि आप अपनी साड़ी के साथ में कॉम्बो ड्रेस स्टिच करवा सकते हो। तो फैमिली ड्रेस आप स्टिच करवा के ले सकते हो। तो अगर आपके घर में बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल है तो आप उन दोनों के ड्रेस स्टिच करवा सकते हो। बेबी गर्ल के लिए आप या तो एक लहंगा स्टिच करवा सकते हो, या एक जो एथनिक वाले ड्रेसेस होते हैं वो अपनी सिल्क साड़ी के साथ में स्टिच करवा सकते हो। बेबी बॉय के लिए आप कुर्ता ऊपर का स्टिच करवा सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो आपके दोनों बच्चों एंड आपके हस्बैंड का पूरा एक अटायर तैयार करवा सकते हो। आपने देखा होगा रितेश देशमुख ने अपनी मॉम की साड़ी के साथ में खुद का कुर्ता एंड अपने दोनों बेबी बॉयज़ के कुर्ते को स्टिच करवाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से या तो आप चाहें तो आप अपना एंड अपने बेबी का भी ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं। तो आप अपने लिए एक स्कर्ट स्टिच करवा सकते हैं, या पूरा फुल जो लॉन्ग एथनिक गाउन होते हैं वो स्टिच करवा सकते हैं, एंड अपने बेबी बॉय या गर्ल का ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं। जो फैमिली कॉम्बो ड्रेस है आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस तरीके के अटायर पहनना पसंद करते हैं वेडिंग वगैरह के टाइम पे, फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे, या बेबी के फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे। इस तरीके का मिक्स फैमिली अटायर वाले ड्रेस लोग बहुत पहनना प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी के साथ में भी इस तरीके का ड्रेस स्टिच करवा के ले सकते हैं, अपने लिए, अपने बेबी बॉय बेबी गर्ल के लिए, अपने हस्बैंड या बेबी बॉय बेबी गर्ल के लिए, या सिर्फ दोनों बच्चों के लिए भी आप स्टिच करवा के ले सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है आपकी सिल्क साड़ी को रीयूज करने का। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर किए, जिससे आप अपने घर में पुरानी पड़ी हुई सिल्क, जॉर्जेट, नेट, शिफॉन या कॉटन की साड़ीज को रीयूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, एंड इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसके पहले भी चैनल पर आ चुके लेकिन अपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन वीडियो को एंड करने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सो दैट यू कैन इजीली गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन क्लिक ऑन द लाइक बटन। सो विल सून मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, टेक केयर।